देखिए कुछ सट्टेबाज जो हैं वो जी मीडिया को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं और इसीलिए बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए समझना कि जी मीडिया की बिक्री की जो खबरें हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और ये कुछ सट्टेबाजों के द्वारा किया जा रहा है। कुछ सट्टेबाज जो हैं वो जी मीडिया को लेकर इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं और आप जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है, ऐसे में किसी भी अफवाह को या गलत खबर को कितनी तेजी से लोगों के बीच सर्कुलेट कर दिया जाता है और इससे एक पैनिक का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, गलत धारणा को बनाने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही कुछ सट्टेबाज कर रहे हैं और इसीलिए हमारे दर्शकों तक ये बात बिल्कुल सटीक तरीके से, सही तरीके से पहुंचे, ये हमारी जिम्मेदारी है और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जी मीडिया की जो बिक्री की खबरें हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है और इस तरह की खबरें पिछले कुछ दिनों से जानबूझकर फैलाई जा रही है, ये सारी अफवाहें हैं। स्वाति खंडेलवाल मेरे साथ है। स्वाति, हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से अफवाहें फैलाई जा रही हैं और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाना कि ये कुछ सट्टेबाजों की तरफ से किया जा रहा है, ये अफवाहें हैं और बेबुनियाद हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ये अफवाहें हैं और ये बेबुनियाद है, इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। आपने देखा जी मीडिया ने अपना स्टेटमेंट भी दिया है, यहाँ कहा है ये बिक्री की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद है और कुछ सट्टेबाज जी मीडिया को लेकर ये फैला रहे हैं। आप ये देखिए, जब कंपनी ही सामने आके डिनाई कर रही है, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि गौतम अदानी और सुभाष चंद्रा जी मिलकर कोई एक डील पर काम कर रहे हैं जिसमें लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, बट वो बिल्कुल गलत है, ये हम बहुत स्पष्ट रूप में अपने दर्शकों तक बताना चाह रहे हैं। सेबी से मांग की अफवाह फैलाने वाले की इनफैक्ट यहाँ जांच होनी चाहिए, यहाँ एक कड़ा रुख लेना चाहिए रेगुलेटर को, जो इस तरीके के उन लोगों पर जो इस तरीके की खबरें फैला रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। लिस्टेड कंपनीज हैं, इसका असर मार्केट पर पड़ता है और ये गलत है हम ऐसी स्पेकुलेटिव नेचर की खबरों को यहाँ तूल दें। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट करना, आपके सामने बताना कि ये बात गलत है, कहना बहुत जिम्मेदारी की बात है और हम देख रहे हैं जी मीडिया ने यहाँ उनका स्टेटमेंट भी दिया है और हम चाहते हैं कि यहाँ सभी भी ये मांग करे और ये देखे कि कौन ऐसे लोग हैं जो गलत खबरें फैला रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट में उथल पुथल मच जाती है। हाल के महीनों में प्रमोटर ग्रुप ने अपनी हिस्सेदारी इनफैक्ट बढ़ाई है कंपनी में, आपने देखा, और प्रमोटर्स ने शेयर वारंट के जरिए कंपनी में अपना हिस्सा बढ़ाया, तो ये बिल्कुल एक्चुअली विपरीत है फ्रॉम व्हाट यू नो न्यूज इज फ्लोटिंग अराउंड। तो हमें बहुत यहाँ पर स्पष्ट रूप से अपने दर्शकों तक, उन लोगों तक ये बात पहुंचानी है जो सच सुनना चाहते हैं कि ये खबर बिल्कुल गलत है, अदानी और जी के बीच में ऐसी कोई डील पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपने डील की बात की, जरा दर्शकों को यह समझाना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर एक डील का बार बार जिक्र किया जा रहा है और इस डील के जरिए बिक्री की खबरों को फैलाया जा रहा है और हम अपने दर्शकों से यह कहना चाहते हैं कि क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आप जानते हैं कि इस तरह की जो सनसनीखेज बातें होती हैं वो जल्दी से फैल जाती हैं, इससे पहले कि लोग समझ पाएं और इस बात को वेरीफाई कर पाए, लोगों तक ये बातें इस तेजी के साथ पहुंचा दी जाती हैं कि लोग उस पर यकीन करने लगते हैं। स्वाति, जरा समझाइए इस डील को लेकर कैसे झूठ बोला जा रहा है, कैसे अफवाह फैलाई जा रही है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात उठाई है और मैं चाहती हूँ कि सरकार भी इस पर नजर डाले, रेगुलेटर इस पर नजर डाले कि कुछ भी आप लिख दें और उसको सर्कुलेट करके उसको ऐसा समझ लें कि ये सच है, ये कितना गलत हो सकता है, किस हद तक गलत हो सकता है कंपनीज के लिए और उनके इन्वेस्टर्स के लिए। आपने कहा एक डील की बात है, अब किसी ने भाई ये लिख दिया कि जी मीडिया बिकेगी अदानी एंटरप्राइजेस को इन ऑल कैश, उस पर भाव लगाए जा रहे हैं 30 रुपए पे, 50 रुपए पे, कोई कुछ भी जो आ रहा है मनगढ़ंत लिख के भेज रहा है और लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। तो यहाँ पर कई लेवल पर इसकी एक स्क्रूटनी होनी चाहिए, समझना चाहिए इस तरीके की खबरों को कैसे रोका जाए और इसको वायरल होने से बचाया जाए। ये तो मतलब वही वाली बात हुई, आप गलत चीज को फैला दें जितना और उसको पर सच समझ लें तो ये तो गलत मानी जाएगी ना। जब कंपनी ने सामने से आके यहाँ डिनाय किया है तो उस बात को तो आप देखिए, बिना पहले आप ये खबर चला दें कि ऐसा हो जाएगा, ये किस बेसिस पे चला रहे हैं? आपने कंपनी से पूछा, आपने कंपनी का वर्जन लिया, क्या लोगों तक आपने पहुंचाया कि ये कंपनी तो नहीं कह रही है, तो कौन कह रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है ये चीज? स्वाति, ऐसा नहीं है कि पहली बार है, करीब पिछले एक महीने से कंपनी की तरफ से, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की तरफ से बाकायदा रिलीज करके ये बातें कही जा रही है कि ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है, लेकिन अफवाहें नहीं थम रही। देखिए इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि शायद ये किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट है, किसी का यहाँ पर कुछ सट्टेबाज है शायद, जो जिसका कोई अपना एजेंडा है जिसकी वजह से ये खबर फैलाई जाए। जब सामने से बता दिया गया कंपनी की तरफ से भाई ऐसा कुछ नहीं, तो वहां पर बात खत्म हो जानी चाहिए। द फैक्ट दैट ये खत्म नहीं हो रही है और ये बार बार उभर कर आ रही है, आप इससे समझिए कि कोई ना कोई तो यहाँ गलत इंटेंशन है,
एटलीस्ट हमें ऐसा दिख रहा है, ना हो तो अच्छी बात है, बट अगर है तो इस पर बिल्कुल कार्रवाई करें, सभी चेक करें भाई ये कौन है आखिर जो ऐसी बातें कह रहा है, जब कंपनी नहीं कह रही है तो कौन है और उस बात को क्यों हम आधार को सच मान लें। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हम दर्शक अपनी बिल्कुल देखें, हम समझें और इसीलिए हमारे दर्शकों तक सच पहुंचाना बहुत जरूरी था और वो सच हमने पहुंचाया कि कुछ सट्टेबाज हैं जो जी मीडिया को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं, उसकी बिक्री को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं, ये सारी बातें बिल्कुल गलत हैं, ये बेबुनियाद है और अफवाहों पर बिल्कुल भी आप यकीन ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।